Your order. Thank you. Excuse me. Yes, sir. वो क्या है ना कि मैं नॉर्मल शुगर पसंद नहीं करता, तो मेरे लिए ब्राउन शुगर प्लीज जल्दी. या सर, अभी लाती हूँ. आपका ब्राउन शुगर. थैंक यू. एक्सक्यूज मी. अब क्या है? मुझे एक टमाटो केचप और चाहिए. सर, अगर आप अपनी प्लेट को अच्छे से नोटिस करें तो उसमें टमाटो केचप ऑलरेडी है. वो क्या है ना कि एक से मेरा क्या होगा, तो एक और चाहिएगा. अरे चाहिए, जल्दी लाइए यार. अयान, तुम मुझे परेशान करने के लिए आए हो ना? अरे बंदा चुपचाप कैफे में बैठ के कॉफी पी रहा है, सैंडविच खा रहा है, और मुझे जो चाहिएगा वो मैं मांगूंगा नहीं क्या? अदे तुम ना पीटोगे मुझसे. नहीं यार, पीटना मत, वो लोग क्या सोचेंगे, अयान लड़की से पिट गया. प्लीज. वेरी फनी. वैसे एक्चुअली ना मैं यहाँ पे चेक करने आया था कि जिस जगह तुम काम कर रही हो वो जगह सेफ है या नहीं. क्या बात है, बड़ी चिंता है मेरी. क्या है ना कि दोस्त हो तुम मेरी, केयर करता हूँ तुम्हारी, तो दोस्ती में केयर करना तो बनता है ना, राइट? दिशा, टेबल नंबर 2 का ऑर्डर रेडी है. या कैरी ऑन, मैं तुम्हारा वेट करता हूं. तुम्हारी शिफ्ट ओवर हो जाएगी तो साथ में चलते हैं. तुम्हें मालूम है मैं ऐसा नहीं कर सकता. ओ डार्लिंग, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. इनडायरेक्टली वो कंपनी तुम्हारी तो है. सिर्फ एक एल्बम की डील ही तो मांग रही हो. नहीं कर सकता. भूल गई तुम कि तुम्हारे लास्ट 3 म्यूजिक एल्बम फेल हो गए थे? मैं कुछ नहीं भूली, मेरी मेमोरी बहुत शार्प. मैं ये भी नहीं भूली कि हम दोनों क्या रिलेशन शेयर करते हैं. पर शायद तुम भूल गए. ठीक है, देखता हूं. कोई सिंगर है थी? हाँ,
सिंगर थी डैड, वो हमारे कंपनी को बूस्ट करने के चक्कर में मैं नए सिंगर्स के साथ मीटिंग्स कर रहा था। तो आपको कुछ काम था डैड? हाँ, वो मिस्टर अरुण खन्ना के यहाँ से एक इनविटेशन आया था। कल रेस कोर्स में बहुत बड़ी पार्टी होस्ट की उन्होंने। यू नो ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। मैंने सोचा कि हम दोनों चलते हैं वहाँ, कुछ बिजनेस की बातें कर लें। आज तो बाल बाल बच गए। मुझे पता है आरू, लोग कितना कॉफी पीते हैं। एक मोटा आया और उसने 5 कॉफी पी। 5 कॉफी? दीदी, ये मोटे लोग खा खा के मोटे होते हैं या पी पी के? एग्जांपल ऑफ मोटा। अब मुझे क्या पता, लेकिन आज मैंने बहुत सारी कॉफी सर्व की। पूरे शिफ्ट में कंटिन्यूसली खड़ी थी। पता है मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। आई टेल यू, ये वेटर्स की जॉब ना बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो थैंक्स टू आयान की वो आ गया मुझे लेने के लिए, नहीं तो मुझे बस में धक्के खाकर घर आना पड़ता। क्या रात में हवा आई थी? हाँ। अरे, लेकिन तुझे क्या हुआ? मैं ऐसे कभी बात नहीं करूंगा। बट क्यों? मैंने उनसे बोला था कि जब वो कैफे में जाएंगे मुझे भी साथ ले जाएंगे, पर नहीं, आयान भैया ना अकेले ही चले गए। आयान भैया ना बदल गए हैं दीदी। पहले आयान भैया मुझे बाइक पर घुमाने ले जाते थे, अब वो आपको घुमाने ले जा रहे हैं। वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं। आरू, तू ना, तू कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आयान मुझे ज्यादा पसंद क्यों करेगा? ऐसा ही है दीदी, वरना वो क्यों आपको इतना सपोर्ट कर दे? जब भी आप हेल्प मांगते हो तो वो कभी मना नहीं करते। वो कैफे भी लेने आए थे जबकि आपने बोला ही नहीं था। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे चेक करने आया। कि जिस जगह तुम काम कर रही हो वो जगह सेफ है या नहीं। सेफ है? क्या बात है, बड़ी चिंता है मेरी। दोस्त हो तुम मेरी, केयर करता हूँ, तो दोस्ती में केयर करना तो बनता है ना, राइट? आरू सही बोल रहा है? मैं क्यों गया था कैफे? मुझे दिशा की परवाह है या कोई और वजह है? इस बार भी रेस कोर्स में वो ब्लैक पर्ल नाम वाला हॉर्स होगा ना? हाँ होगा, क्यों नहीं। याद है नानू, पिछली बार हमने उसी पे बेट लगाई थी और हम आपसे जीत भी गए थे। हाँ याद है, पर जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, शर्त हमेशा घोड़े पर नहीं जॉकी पे लगाना चाहिए, क्योंकि बेटे घोड़े तो बदलते रहते हैं और एक्सपर्टीज होती है राइडिंग। आप दोनों तैयार हो गए? यस डैड। गुड, वेरी नाइस। नाना जी, आपने हमें बुलाया? आप लोग तैयार नहीं हुए दोनों? रेसकोर्स जाना है ना? हमें रेसकोर्स नहीं जाना, इसीलिए। क्यों? अरे आप लोग दोनों रेसकोर्स चलिए, एक नई जगह हो जाएगी आप लोगों के लिए और वहां की दुनिया ही अलग है, बहुत मजा आएगा।
थैंक यू मिस्टर कपूर, बट हमें हमारी दुनिया में रहने दीजिए। यहाँ के काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तुम्हारी दुनिया के काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राम को हेल्प करना। क्यों? सही गेस किया, मेरे पापा को सपोर्ट करना। बहुत हुआ तुम्हारा दिशा ये राम से ज्यादा कर मिलना और उसे सपोर्ट करना। और अब सब बंद, डोंट फॉरगेट कि मैं तुम्हारा लीगल गार्डियन हूं और मैं तुम्हें वहां उस लूजर से रोज रोज मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। जाओ जाकर कपड़े बदलो और लेट्स गो टू द रेस कोर्स, कम ऑन। मिस्टर कपूर, मुझे लगता है कि आप चैलेंज भूल गए। कि मुझे अपने पापा को सपोर्ट करना है एट एनी कॉस्ट। मैं आपको प्रॉमिस जब तक मेरे पापा सक्सेसफुल होकर गर्व के साथ मुझे लेने के लिए नहीं आते तब तक मैं और आरुण का इंतजार कर। तुम जानती हो इस घर में तुम्हारे आने जाने पर मैं पाबंदी लगा सकता हूं, कितनी पावर है मुझे। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चैलेंज से डर रहे हैं। पापा डर गए तुम्हारे चैलेंज से? आर यू जोकिंग? आई एम नॉट जोकिंग मनिका आंटी, सच में। इन्होंने ये कहा था ना कि जितना जोर लगा सकती हो लगा लो अपने पापा को सक्सेसफुल करने में। तुम्हारे पापा राम हो जाओ, उन्हें कोई काम नहीं, कोई काम नहीं देगा, क्योंकि इस देश की म्यूजिक इंडस्ट्री में मिस्टर आनंद कपूर यानी कि मैं मुझसे कोई भी दुश्मनी मोल लेने की बोलने मत नहीं रखता। काम देना तो बहुत देना, तो बहुत। तो अब जब मैंने जोर लगाना शुरू ही किया है तो आप इतना डर क्यों रहे हैं कि कहीं मेरे पापा सच में सक्सेसफुल ना हो जाए? क्यों मिस्टर कपूर? मुझ पर रोक लगाने का और क्या मतलब हो सकता है? देखो दिशा बेटा, गलत फहमी में रहने की ये जो तुम्हारी आदत है ना, इसे छोड़ दो और तुम कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, तुम्हारा बाप एक लूजर है और लूजर ही रहेगा। देर हो रही है मुझे, लेट्स गो, चलो बेटा। ये क्या था? पागल हो गए हो क्या? नहीं, वो बड़े पापा से तुम इतने हाई वोल्टेज में बात कर रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर करंट वरंट तो नहीं बन रहा। वेरी फनी आयान, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, राम सर के पास कब जा रहे हैं? मैं तैयार होकर आती हूँ, उसके बाद निकलते हैं। ओके। आयान भैया, क्रिकेट खेलेंगे आप मेरे साथ? अभी अभी तो हमें जाना है। आयान भैया, इतने लड़के हैं, आपको क्या लगता है थोड़ी देर में वो रेडी हो जाएंगी? अयान भैया, अगर दीदी को 45 मिनट से कम लग गया ना तो आप मेरा नाम बदल देना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, चलो चलते हैं। हाँ चलो। बॉस बॉल एंड बोल्ड।
क्या कोहली वाला शॉट मारा है? क्या शॉट मारा पिद्दी ने? कहाँ चली गई? जी के पास शायद मेरे कान बज रहे हैं। आयान, आरू। तो दिशा जी की आवाज है? इधर ऊपर। दिशा जी, क्या हुआ? जल्दी ऊपर आओ, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आया। जल्दी आओ प्लीज। जी बाहर से तो ठीक है, आप ऊपर से खोलिए ना। अरे अंदर से खुला हुआ है लेकिन जाम है डोर, खोलो। रिलैक्स, मैं बाहर से खोलने की कोशिश करता हूँ, शायद अटक गया है। ओके आयान, प्लीज डू समथिंग। रुको मैं करता हूँ। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स। दिशा जी, आई थिंक ये जाम हो गया है बाहर से। तो अभी ऐसे अंदर अटकी रहूंगी? अब क्या करें आयान भैया? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा आरू। दिशा जी, आई थिंक ये जाम हो गया है बाहर से। तो अभी ऐसे अंदर अटकी रहूंगी? अब क्या करें आयान भैया? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा आरू। दिशा जी, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। अरे बट क्यों? क्योंकि आयान भैया दरवाजा तोड़ने वाले हैं। अगर दरवाजे के साथ आपको अपना मुंह भी तोड़वाना है तो आप दरवाजे के सामने रहिए। अच्छा ठीक है, मैं पीछे हटती हूँ, लेकिन जल्दी आ। आप पीछे हो जाइए, मैं धक्का मारूंगा। ओके। आप दरवाजा खोलने की कोशिश करो, मैं किसी को बुला कर लाऊं, ठीक है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.